लाली जी मालकिन, ये लो तुम्हारे महीने की पगार। मैम साहब, हाँ, इसमें शायद आपने गलती से 2000 रुपए कम दे दिए। नहीं, गलती से कम नहीं दिए, वो 2000 रुपए मैंने काटे हैं जो तूने 4 दिन की छुट्टी की थी। मैम साहब, मैंने बताया तो था मेरी माँ की तबीयत खराब थी, इसलिए मैं 4 दिन नहीं आ पाया था और उन्हीं की देखभाल में लगा हुआ था। ठीक है, तेरी मम्मी की तबीयत खराब थी, पर इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? अब तू 4 दिन के लिए नहीं आया तो तेरी जगह मैंने किसी और को बुलाया था, अब तेरी सैलरी में से तो काटूंगी ना। मैम साहब, मैं मानता हूँ मैंने 4 दिन छुट्टी करी है, पर मेरी मजबूरी थी, और आप भी तो समझिए मैं कभी कभी ओवर टाइम भी तो करता हूँ। जो भी आप काम बोलते हो सब करता हूँ, झाड़ू पोछा बर्तन। ऐसा मत कीजिए मालकिन, आप मेरे पैसे काट रहे हैं, मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। देख, इमोशनल ब्लैकमेल मत कर, ठीक है? अब तू नहीं आया था, तेरे पैसे दे चुकी हूँ मैं उसको, ठीक है? अपना काम कर जाके। प्रियंका यार, क्या तुम भी, तुमने पैसे क्यों काटे थे बेचारे के? बस कुछ दिन की बात थी। सचिन, बात कुछ दिन की नहीं है, उसके बदले भी तो मैंने किसी को बुलाया था ना, तो उसी से तो काटूंगी मैं पैसे उसके। हाँ प्रियंका, बट उसने कहा था ना तबीयत खराब थी उसकी मम्मी की, इमरजेंसी थी, थोड़ा तो कोऑपरेट करना पड़ेगा हमें। सचिन, कोई इमरजेंसी नहीं होती, मैं अच्छे से जानती हूँ लोगों को, इनके सिर्फ बहाने होते हैं काम से बचने के, और तुम उल्टा मुझे ही सुना रहे हो। अरे पर प्रियंका, काम डाउन, लिसन। उसका गुस्सा भी ना नाक पे रहता है, पता नहीं कब समझेगी ये। लाली, जब तेरा झाड़ू हो जाए, ये कुछ कपड़े हैं धोने के लिए, ये वॉशिंग मशीन में डाल दियो, ठीक है? ठीक है मैम साहब। अरे लाली, तू आ गया? जी मालकिन। शिट यार, मुझे और सामान मंगवाना था उससे। अरे वो मेरा शैम्पू खत्म हो गया है और मुझे हेयर वॉश करना है, जब दोबारा जा मार्केट और लेके आ जा। ठीक है मालकिन, लेके आता हूँ। मेम साहब, सारा काम हो गया है, अब मैं निकलता हूँ। कहाँ सारा काम हो गया है? वो देख, बर्तन पड़े हैं किचन में, उनको कौन धो के जाएगा? उनको धो के फिर चला जाइयो। ठीक है मेम साहब, अभी धो देता हूँ। प्रियंका, वो कल एक बहुत जरूरी मीटिंग है, तो क्लाइंट्स घर पर ही आएंगे, तो मेक श्योर सारा घर साफ रहे। हाँ हाँ, तुम टेंशन मत लो, मैं लाली को बोल देती हूँ, वो सुबह जल्दी आ जाएगा और सारा घर साफ कर देगा। लाली। हाँ मालकिन। सुना तूने, तेरे साहब ने क्या बोला, कल गेस्ट आने वाले हैं तो पूरा घर साफ चाहिए सुबह, तो जल्दी आइए सुबह, ठीक है? ठीक है मालकिन। ठीक है, अगर तेरे बर्तन हो गए तो तू घर चला जा, और हाँ सुबह टाइम से आ जाइयो। ठीक है मालकिन, आ जाऊंगा सुबह टाइम पर। यार लाली अभी तक नहीं आया, और सचिन अभी क्लाइंट्स को लेके आता ही होगा। एक तो उसका फोन भी कभी टाइम से नहीं लगता है, और अगर सचिन क्लाइंट्स को लेके आ गया ना तो बहुत ज्यादा बेइज्जती हो जाएगी, और हो सकता है उसकी डील भी कैंसिल हो जाए। नहीं नहीं, एक काम करती हूँ, मैं ही सारा घर साफ कर देती हूँ सचिन के आने से पहले पहले। हाँ चलो, कम से कम घर तो साफ हो गया, और ये अब सचिन का रह गया। फोन करती हूँ। अरे सचिन, तुम आ गए? ये देखो अब आ रहा है, तुझे कहा था ना सुबह जल्दी आना, तेरी वजह से सारा घर का काम मुझे करना पड़ा। हालत देख मेरी, कितनी थक गई हूँ मैं। अरे प्रियंका, तुम इतने में ही थक गए? तुमने आज ही काम किया है, वो भी आधा काम किया है। सोचो ये हर रोज इतना ही काम करता है, बल्कि इससे ज्यादा ही करता है, तब भी कुछ नहीं बोलता है। और तुमने क्या किया, कल उसके पैसे काट लिए सिर्फ कुछ दिन के लिए। तुमने आज काम किया ना, तुम समझ गए होंगे कि काम करना कितना मुश्किल है, फिर भी ये रोज इतना काम करते हैं सिर्फ कुछ पैसों के लिए, और उनमें से तुम भी कुछ पैसे काट लेती हो तो कैसे चलेगा? तुम समझे कुछ, ये कुछ पैसे इसके लिए कितने ज़रूरी हैं। तुम सही बोल रहे हो सचिन, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, बिना उसकी प्रॉब्लम जाने उस पर चिल्लाती रही और उस पर गुस्सा करती रही। वो बेचारा इतना काम करता है, फिर भी मैंने उसके पैसे काटे, मुझे पछतावा है इस चीज़ का। एंड लाली, आई एम रियली सॉरी। कोई बात नहीं मैडम, आप समझ गए, बस इतना काफ़ी है। सुन के अच्छा लगा, तुम्हें तुम्हारी गलती का पछतावा है। चलो लाली।